गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है 17/12/2020। क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली है आपकी, नई प्रश्नावली है 6.4, जिसका प्रश्न नंबर पहला है हल कीजिए। और हल कीजिए में से हमसे प्रश्न में कहता क्या है, तो हल कीजिए में ये जो हमारी एक्सरसाइज है, यहां से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हल कीजिए में कहता क्या है कि जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या होता होगा। तो यहां पे लिखा है मेसे, मेसे का मतलब होता है घटाना। वैसे भी आपकी जो प्रश्नावली है ये घटाने पर आधारित है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है 0 में से 35, तो बराबर का निशान लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 0। तो बराबर का निशान लगा, फिर लिखा है 0, तो यहां पर लिखेंगे 0 में से 35 घटाना है, तो माइनस क्या करेंगे, में से जहां पर हो जाएगा माइनस, आगे क्या लिखेंगे 35। अब इसको हल करेंगे तो देखिएगा, एक ही चिन्ह है वो भी है घटाने का, और हमेशा जो घटाया जाता है बड़े से छोटा घटाया जाता है, तो 35 से 0 जाएगा तो बचेगा हमारा 35। ये याद रखेंगे, लास्ट में जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगता है, तो संख्या बड़ी हमारी 35 की 0, तो 35 बड़ा है, 35 पहले माइनस चिन्ह है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 35। दूसरा क्या है, 0 में से 10 है, तो बराबर का निशान लगाया, ये लिखा हमने 0, में से का मतलब हो जाएगा माइनस, और आगे क्या हो जाएगा 10, एक ही चिन्ह है घटाने को कहता है तो घटा देंगे, तो 10 में से 0 जाएगा, 10 बचेगा, इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है 10, इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट, 58 में से -24 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 58, में से जगह पे होगा माइनस, और फिर माइनस का क्या लिखेंगे 24, यानी कि में से एक माइनस हुआ, ये भी माइनस, दो चिन्ह पास में नहीं हो सकते, इसीलिए इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। अब दो चिन्हों को बना लेंगे हम एक, तो क्या होगा, क्योंकि पास पास में दो चिन्ह होते हैं तो उनको एक बनाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि समान चिन्ह जो है वो जुड़ते हैं तो जुड़ गया, और प्लस क्या हो जाएगा 24। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या होगा आंसर, क्यों, दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा, और प्लस लगाया नहीं जाता है। अगला है -324 में से 24, तो यहां पर लिखेंगे -324, में से का मतलब हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 24। यहां पर याद रखेंगे कि ये दो चिन्ह अलग अलग है तो इनको एक ना नहीं करना है, तो इसको हम हल ही कर लेंगे, जब केवल बिल्कुल पास में होते हैं जब दो चिन्ह, तब हम एक बनाते हैं। तो ये है हमारे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, 4 4 8 2 2 4 और 3 का क्या हो जाएगा 3, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर भी काय का आएगा, माइनस का आएगा। या फिर आप देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, तो इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे। पांचवा पार्ट है, 314 में से -314, क्या करना है, घटाना है, तो ये लिखा हमने 314, में से का कहता है मतलब माइनस, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 314। अब यहां पर देखिएगा, दो चिन्ह पास में है तो इनको हम कर लेंगे एक, तो ये है समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और आगे हो जाएगा 314, और 314 314 जोड़ देंगे तो 4 4 8 1 1 2 और 3 3 6 628 जो है वो आंसर का आएगा, प्लस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, या फिर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर भी प्लस का आएगा। अगला, 418 में से 128, तो ये लिखा हमने 418, में से जगह पे होगा माइनस, और आगे क्या हो जाएगा 128, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही चिन्ह है वो भी क्या आएगा घटाने का, तो घटा देंगे हम, तो घटाएंगे तो 8 से 8 गया 0, 1 से 2 जाएगा नहीं, पीछे से हासिल लेंगे, यहाँ पे होगा 11 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचेगा 3 3 में से 1 गया 2, आंसर आएगा 290, काहे का, प्लस का या माइनस का, संख्या बड़ी है ये वाली तो ये कुछ नहीं निशान है तो प्लस का माना जाएगा, तो ये प्लस का आएगा, प्लस लगाया नहीं जाता है।
अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि घटाइए, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो क्या कहता है, माइनस 172 को जीरो से घटाइए, तो ये हमने लिखा माइनस 172 और को जीरो से घटाना है, माइनस 172 को जीरो से। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा, हमसे लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा रहा। क्या कहता है, माइनस 172 को जीरो से, यानी कि जीरो से घटाना है माइनस 172 को, तो पहले माइनस 172 नहीं होगा, तो ये जो पहले होगा जीरो से, तो जीरो से घटाना है, तो ये घटाने के निशान लगाया किसको, माइनस 172 को, तो माइनस 172 फिर से लिखा जाएगा। दो चिन्ह पास में नहीं हो सकते, इसीलिए हमने किया इसको ब्रैकेट में। अब जहां पर दो चिन्ह है वहां पर बना लेंगे एक चिन्ह, क्योंकि पास में नहीं हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 172, और जब 172 में जीरो को जोड़ा जाएगा तो आंसर जो आएगा वो 172 ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, तो आंसर भी काय का आएगा, प्लस का ही आएगा। आगे देखिएगा दूसरा, तो इसमें याद रखेंगे बिल्कुल कि माइनस 1526 को माइनस 324 से घटाना है, तो ये नहीं कि इसको पहले बीच में माइनस इसको कर दिया, यानी कि माइनस 324 से घटाना है इसको, तो माइनस 324 पहले लिखेंगे। पर इसमें से क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का निशान लगाया किसको घटाना है, माइनस 1526, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1526। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो चिन्ह पास में नहीं हो सकते हैं, तो ये एक तो माइनस ये लगा था और ये संख्या भी हमारी माइनस की थी, तो ये होगा। फिर इसके बाद हम हल करेंगे, जहां पर दो चिन्ह है वहां पर एक चिन्ह बनाएंगे, तो ये हो गया माइनस 324, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1526। तो ये हो गया हमारा प्लस और माइनस, ये हो गए असमान चिन्ह। तो असमान चिन्ह जो है वो आपस में घटते हैं, अब घटेगा किससे, क्या बड़ी संख्या कौन सी है, 1526, और उसमें लिखेंगे 324, इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 गया 0, 5 से 2 गया 2, 1 का क्या बचेगा 1, यानी कि इसका जो आंसर हो आएगा 1202। 1202 जो होगा वो काय का होगा, प्लस का या माइनस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर भी प्लस का होगा, प्लस लगाया नहीं जाता है, तो ये आंसर होगा। अगला है माइनस 3248 को 1220 से, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 1220 को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, माइनस का 3248, तो माइनस का 3248 ये माइनस किया, जहां पर दो चिन्ह है वहां पर एक चिन्ह कर लेंगे, तो 1220 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3248। एक ही चिन्ह है जोड़ने का, तो जोड़ देंगे इसको, जीरो में 8 जोड़ेंगे तो 8, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, आंसर भी काहे का आएगा, प्लस का आएगा। इसके बाद दो पार्ट और हैं, उनको भी देखेंगे। जीरो को माइनस 192 से घटाना है, तो बाद वाली संख्या पहले लिखेंगे, तो माइनस 192 से घटाना है, क्या घटाना है जीरो को, तो यहां पर क्या है, दो चिन्ह है, वो भी कैसे हैं, ये समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो 192 में जीरो जुड़ेगा तो रहेगा हमारा 192, दोनों संख्याएं माइनस की, आंसर भी काहे का होगा माइनस का। अगला देखेंगे, तो 3225 पहले लिखेंगे, 3225 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, और क्या घटाएंगे, माइनस का 3225 को, जब इसको हल करेंगे दो चिन्ह पास में नहीं हो सकते हैं, तो इसको एक चिन्ह बनाएंगे, तो 3225 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3225 एक ही चिन्ह है वो भी जोड़ने का, तो जोड़ देंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5, 2 2 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6450। तो प्रश्नावली 6.4 के दो प्रश्न हो जाते हैं आपके समाप्त, तो उसको नए पेज से फेयर वाली कॉपी पे करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।